अल्लाह का शुक्र है जी, देखें आपके सामने कितना काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ये काम जारी है। दो सेट है यानी कि इंशाल्लाह निकलेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दो सेट मुकम्मल हो जाएंगे, दुआ करें ना बरकत दे, बरकत दे इसमें। अच्छा ये छत जाना है, इसको भी ठीक करना है, साथ साथ होती जाएगी? नहीं बाद में होगी, बाद में होगी, ठीक है जी, इसको भी करना है इंशाल्लाह। देखिए आपके सामने है, काम जारी है, दुआ करें अल्लाह ताला अपने फजल से अपनी रहमत से इस काम को मुकम्मल करा दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी सफाई कर रही है, ये चापर वगैरह चोरी कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह सभी का फरमाए और किसी का कमी दे, अल्लाह घर में बरकत दे और किसी का मोहताज ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही रख दो उस चूल्हे के बीच में, आग जलाएगी क्योंकि उस चूल्हे में अभी तक हमने आग नहीं जलाई, इंशाल्लाह उसमें जलाएंगे और आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको फर्म कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई अता फरमाए। मैं इनसे दुआ करवाऊँगा, आप दुआ करो, जो ऐसे दुनिया से शादी से जा चुके हैं अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जन्नत में जगह दे, आला मकाम अता करे, बेहतरीन अता फरमाए, बेहतरीन अता फरमाए, और पीछे वर्षा को सब्र अता फरमाए, सब्र अता फरमाए, आमीन। और दुआ करो जो बीमार है ना, जिन्हें बुखार कमजोरी कोई भी, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, बेहतरीन अता फरमाए। और जिनके यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह उन्हें औलाद भी दे, औलाद भी दे। जो शादियां करवाना चाहते हैं, रिश्तों के तलबगार, अल्लाह उनको रिश्ते भी अता फरमाए, रिश्ते भी अता फरमाए, आमीन आमीन। वो बुलाएंगे नहीं, खाने पे नहीं बुलाएंगे, शादियां करें जरूर, ठीक है, आमीन। हम नहीं जाएंगे ना, खुश रहे यार, खुश रहो, सलामत रहो, आबाद रहो, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आज के व्लॉग का आगाज ये है कि इंशाल्लाह मजीद मस्जिद की सुरक्षा दिखाएंगे और आज से प्रॉपर इंशाल्लाह काम होगा, और इंशाल्लाह हम दुआ करें कि उसके जो फंड रहते हैं फंड मुकम्मल हो जाए, क्योंकि फंड की वजह काम ही होगा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह जो है आज मिस्त्री मजदूर जो है, तीन मजदूर हमने इंतजाम किए हैं और एक मिस्त्री का, इंशाल्लाह वो काम करेंगे, अल्लाह खैर करेगा, बरकत दे। और दूसरा ये जो आप रुई देख रहे हैं कपास, ये आई पड़ी है, एक भिंडी ये सामने बाहर आई पड़ी, बेटा बेटा निकाल ये आई है, ठीक है जी, हम शायर नहीं है, उनका जी फ्राई करके दे, बैगम ने कहा ठीक है कर देती हूँ, अब मुझे मालूम नहीं इसकी मजदूरी कितनी होगी, कितनी हुई ये मुझे पता नहीं है, कितनी उन्होंने देनी है, अल्लाह खैर करे। अब मैं मस्जिद की तरफ चलता हूँ जी, वो बाहर की सूरत दिखाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह ताला बेहतरी ता फरमाए, आप दुआ करो अल्लाह के घर बन जाए, आज 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 साथ आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। अब देखें मैं आपके सामने चल रहा हूँ, शुक्र है कि ये काल के खैर तो मैं चल रहा हूँ, वरना मैं चलने की काबिल नहीं रहता। वो सामने मिस्त्री लगे हुए हैं, मजदूर भी लगे हुए हैं, जूम करके दिखाओ बेटा। अब इंशाल्लाह मैं वहाँ की मस्जिद की सुनकर आपको वहाँ बाकी सेव करता हूँ। ये ईंटें तकरीबन जो पड़ी है ना, जो कि 400-500 ईंटें हो जाएगी, वो भी ये भी मिला के, और मिस्त्री साहब मशवरा करते हैं टोटियों के ऊपर कितनी लगेंगी, और उसकी दीवार पे कितनी लगेंगी, और वाशरूम पे कितनी लगेंगी, उनसे ये करा के फिर आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताएंगे। अल्लाह का शुक्र है यहाँ मंदिर के पास आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ काम शुरू हो गया है, सब काम शुरू हो गया, और आज से रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ये है कि फंड की रुकावट हो सकती है, दुआ करें कि फंड जो है मुकम्मल हो जाए इसका, उसके बगैर जो है काम ही होगा, वरना मुझे रोकना पड़ जाएगा, मैं मजबूर हूँ अपनी जेब से, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, दुआ करें कि हम सिर्फ ये आवाज़ जो है आप तक पहुँचा रहे हैं, आप लोगों ने ही काम करना है इसके काम को मुकम्मल कराने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मस्जिद का जो है मसाला बनना शुरू हो गया है, पानी इसमें डाला है, और ये है मिस्त्री, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत काबिल मिस्त्री है, इन्होंने पिछले हमने वीडियो में दिखाया कि उस घर की मुकम्मल किचन के पास था, और भी काफ़ी इन्होंने काम किया, इसकी की उम्र में छोटी सी उम्र है, लेकिन काम माशाल्लाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, और इनको अब लगाया है यहाँ पे, क्योंकि पहले वाला जो मिस्त्री था वो उसमें जो बुजुर्ग थे वो बीमार हो गए थे, एक ही दिन यानी कि मुकम्मल उसने दिहाड़ी नहीं लगाई थी, बीमार हो गए, फिर बीच में किसी एक और बंदे को लाया, लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह ये काम करेंगे मुस्तकिल परमानेंट, उस काम को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, मुकम्मल करा के जाएंगे, इंशाल्लाह कहा है वादा पूरा के भागना नहीं है, क्योंकि असल में सोचकर ये कल भी इन्होंने आना था दिया है, वजह से इनकी कोई मजबूरी बन गई, हमने कहा ठीक है। दूसरा ये कि सर गंदम जिस तरह देख रहे हैं इनके होते हैं, ये वो भी बेहतरीन होती है, साल में एक दो बार होगी, इसका मौका मिलता है इनको,
दिहाड़ियों से ज्यादा मजदूरी बन जाती है गंदम के बीच में। गंदम के काम के बीच में हमें मालूम है, चाहे मजदूर है चाहे मिस्त्री है, जब वो अपनी रोजी कमाते हैं तो हम गंदम का होता है ठेका, वो जहाँ इन्होंने यहाँ मिस्त्री की दिहाड़ी लेनी है 1500 या 1200 जो भी है, तो वो जो है इन्होंने यहाँ से 3000 से लेकर 8000 रुपये एक दिन में बना जाते हैं। उसी तरह कहते हैं 10-15 दिन 20 दिन का काम होता है, बड़ी तेजी के साथ इन्होंने करना होता है। अल्लाह बरकत है, खैर इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल होगा और ये जल्द मुकम्मल होगा, दुआ करें अल्लाह का शुक्र। हम यहाँ पे आए हैं जो कि इस तरह का हमें सारा सिस्टम बनाना है। ये मस्जिद है, लिखा है बेटा सेट पर, ये है मस्जिद अल्लाह के घर की, ठीक है जी। तो इस तरह का ये सिस्टम हमने बनाना है और ये टोटियों के मैं मिस्त्री को साफ लेकर आया हूँ, लेकिन ये नाश करने से इस तरह के साफ काम ये इन्होंने बना के लगी है। टोटियों के नीचे जो नाली है पानी की निकासी की वो ये होगी, और ऊपर ये छत देखिए, ऊपर छत भी है। हम यही चाहते हैं इस तरह का सिस्टम बन जाए, साथ के पीछे वाशरूम दो है, ये देख रहे दो वाशरूम है। हम भी इस तरह के चाहते हैं कि सिस्टम बन जाए, दुआ करें अल्लाह ताला बेहतरीन का फरमाए। अब इसकी हम नाप करते हैं, सब देखते हैं ये नाप होने लगी है जी मुकम्मल उस तरफ, ठीक है जी। वो मिस्त्री है ये नाप करने लगे हैं, इसकी नाप करके हम इसी हिसाब से इंशाल्लाह वहाँ पर भी करेंगे 16 फुट। और ये भी साइड जो है नाप करने लगे हैं, देखने लगे ये कितनी नीचे वाली स्टेप पे रखना, नीचे वाले स्टेप पे, ठीक है जी, नीचे वाले स्टेप पे, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, ठीक हो? 8 फुट 10 इंच। ये भी नाप अब करने लगे हैं, मशीन जो है ये छोटी लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे तादाद कम होती है बच्चों की। 13 फुट 9 इंच और इसको 15 फुट बढ़ा लेंगे, 15 फुट। यानी ये चौड़ाई हमने ख़ास तौर पे ये देखनी थी, ये चौड़ाई, ठीक है, ये ख़ास तौर पे ये चौड़ाई देखनी थी। अच्छा, ये जो नीचे दड़ा बना हुआ है ना, इसकी ये नाप भी आप कर लें, ये नाप भी कर लें ताकि इसी हिसाब से, और हौजी वगैरह यानी कि वो देखे नीचे जो पानी आता है। नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये फुट जो है ना, या ये फुट पास जो है ना, ये नाप कर लें सर, ये मेरे ख्याल में 2.5-3 फुट का होगा। तो कितना है? 10 इंच 2 फुट 10 इंच यानी 3 फुट का कह लें, नीचे स्टेप भी है ये अलग, ठीक है जी। चलें जी, ठीक है जी, आए चलते हैं। अल्लाह के फजल से जनाब ये मिसाला मुकम्मल हो गया, अंदर जो है तराई वो भी फाइनल है। ये देखिए बाहर पानी माशाल्लाह, आपको ये नज़र आ रहा होगा चमकता हुआ पानी, ठीक है जी, कैमरे के बीच में नज़र आ रहा है सही, यानी मुझे मालूम नहीं है या हमें नज़र आ रहा है पानी का, ठीक है जी। और ये देखिए तराई वगैरह की है, ये पानी छोड़ा रुका हुआ यहाँ पर, और अंदर जो है मैं जा नहीं सकता, जूते हैं मेरे ख्याल लगे हुए। वो मीरू लगा रहे हो? हाँ जी, मीरू लगा रहे हो, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को शेयर करना है, बाकी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।